के लिए। और अगला जो गीत है, चांद छुपा और तारे डूबे, इस गीत के बारे में आपको खुद रमेश तांजरकर जी जानकारी देंगे। तो रमेश तांजरकर जी, हेलो। ये जो गाना है सुप्रीम सोनी महिवाल का, चांद छुपा और तारे डूबे, कई लोग कहते हैं कि महेंद्र कपूर का पहला गाना है, मगर ये गलत है, गलत फहमी हो सकती है। महेंद्र कपूर की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हुई मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मोहम्मद रफ़ी कॉन्टेस्ट रखा गया था मुंबई में, जिसमें महेंद्र कपूर साहब को पहला प्राइज मिला। उस टाइम पे 3 जजिस थे, मैं, वी शांताराम जी, B.R. चोपड़ा और नौशाद साहब। उन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि जो फर्स्ट आएगा हम उसको मौका देंगे। तो इत्तफाकन पहली फिल्म कॉन्टेस्ट के बाद नवरंग रिलीज हुई, तो वी शांताराम ने उनको पहला गाना का मौका दिया, आधा है चंद्रमा रात आधी और श्यामल श्यामल भरन। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा गाना, दूसरी फिल्म रिलीज हुई सोहनी महिवाल, जिसमें नौशाद साहब ने उनसे एक गाना, ये फिल्म का क्लाइमेक्स सॉन्ग है ये, आपने कई लोगों ने देखा होगा सोनी महिवाल फिल्म, भरत भूषण निम्मी की। और उसके बाद तीसरी फिल्म आई दुल का फूल, B.R. चोपड़ा साहब की, जिसमें उन्होंने उनको पहला गाना दिया था, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। इस तरह से फिल्म इंडस्ट्रीज में महेंद्र कपूर का जन्म हुआ, जो एकमात्र रफ़ी साहब के शिष्य एक ही है। कई लोग कहते हैं कि मैं इनसे सीखा, इनसे गलत है, एकमात्र रफी साहब ने जिनको शिष्य बनाया वो सिर्फ महेंद्र कपूर। थैंक यू। से होगा लाल चनाब का पानी,
बहुत शुक्रिया और बहुत खुश सुनी। थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, मगर एक बात स्पेशली कहना चाहूँगा, एक बार ज़ोरदार तालियां रमेश जी के नाम हो जाए, सर रमेश तांजोरकर। 15 दिन बहुत ही मेहनत की है मेरे पीछे, तो एक बार फिर से एक बार ज़ोरदार तालियां के नाम हो जाए। थैंक यू सो मच।